दोस्तों, मैं आज एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को, बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल ही इधर से एक आदमी गया है दुबई एयरपोर्ट में, तो क्या उसके साथ हुआ है मैं आज बताता हूँ आपको, वो मतलब कितना उसको नुकसान हुआ है। दोस्तों देखें, वो एक आदमी इतनी मेहनत करके अपना पैसा जमा करके जब मुल्क जाता है, तो उसके लिए जब पैसा इस तरह का टिकट मिस हो जाए या कुछ डॉक्यूमेंट कुछ रॉन्ग हो जाए या मिस्टेक हो जाए ना, तो आदमी को बहुत परेशानी होती है। देखें दोस्तों, एक आदमी कल एयरपोर्ट में गया, सुबह 4 बजे का टिकट था उसका, 4 बजे 4:30 बजे का टिकट था। तो जब वो अपने डॉक्यूमेंट चेक करवा रहा था, तो बिल्कुल उन लोगों ने पूरे डॉक्यूमेंट चेक किए, तो बस जब एक चीज़ की बारी आई टिकट की, तो टिकट भी उसके पास थी, लेकिन वो जो टिकट उसने करवाई थी वो क्रेडिट पे करवाई हुई थी। जब भी आप लोग टिकट करवाते हैं ना क्रेडिट पे, तो उसके साथ एक पेपर आपको मिलता है, तो वो आप लाजिम अपने साथ पेपर लेके जाएं, जिसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि जितने अमाउंट की हम लोगों ने टिकट करवाई है उसका वो रसीद होती है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। उसकी सिर्फ रसीद की वजह से वो आदमी को एयरपोर्ट से निकाल दिया, मतलब वो उसकी टिकट जो थी वो मिस हो गई। जितने पैसे थे उसका 500 लगा, 600 लगा, 650 की टिकट, 650 दिरहम की टिकट हुई थी, वो कैंसिल हो गई अभी सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। दोस्तों देखो, एक हर उसके अपने डॉक्यूमेंट बनवाए थे, उसने अपना वैक्सीन कार्ड भी बनवाया हुआ था, पासपोर्ट भी था उसके पास, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी था, यूएई का आइडेंटिटी कार्ड भी था, और उसमें आप ये भी वीज़ा भी था, हर चीज़ उसके पास अवेलेबल थी। खाली एक छोटी सी गलती थी कि जिस आदमी से मतलब क्रेडिट से जो वो करवाई है टिकट ना ही, तो वो ऑनलाइन हुई है और दूसरी बात है, और ना ही वो जो क्रेडिट का प्रूफ मांगते हैं कि जो आपने जो टिकट करवाई है ना उसका हमको प्रूफ दिखाएं, क्रेडिट कौन से क्रेडिट से करवाई है, मतलब वो एक साथ में एक छोटी सी रसीद देते हैं। अगर आप वो साथ में लेके जाएंगे तो आपकी एंट्री होगी दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट है आप दोस्तों के लिए। देखो ये मेरा काम है आप लोगों को नई से नई इंफॉर्मेशन देना। दोस्तों इस तरह की आपको फिर मैं आपको बोलता हूँ कि केयरफुल रहें, जब भी आप अपने मुल्क जाते हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट क्लियरली रखें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वैक्सीन का अभी कोरोना का टेस्ट सिस्टम तो वो ख़त्म कर दिया है, अभी वैक्सीन का कार्ड आपका चेक करते हैं, अगर आपके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है ना इधर का यूएई का, तो वहाँ पर जब आप उसको देते हैं तो वो उसका नंबर टाइप करके तो सभी डेटा आपका उसके कंप्यूटर में शो हो जाता है। ठीक है, कितनी वैक्सीन लगाई हैं और कौन, मतलब अगर आपने कंप्लीट नहीं करवाई तो फिर कोरोना का एक लाजम होता है टेस्ट। ठीक है दोस्तों, इसी तरह पासपोर्ट भी आपको ज़रूरी होता है और वीज़ा भी आपका पासपोर्ट के ऊपर ही लगा होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह दोस्तों, ये एक हर चीज़ का ख्याल रखें, वो आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदे की बात है। ठीक है, छोटी सी गलती की वजह से आप इतना बड़ा नुकसान कर देंगे। देखो पहले वो दोस्त ने पहले टिकट करवाई है 650 दिरहम की, ठीक है, वो कैंसिल हो गई, वो अलग से पैसा उसका वेस्ट हो गया। अभी देखें, अभी वो फिर टिकट करवा रहा है, टिकट करवाने का बहुत इमरजेंसी में जा रहा है, वो छुट्टी जा रहा है बेचारा, लेकिन क्या है कि अभी 650 फिर उसको पे करना पड़ेगा। 650 और 650 आपको पता है कि 1300 दिरहम उसका इधर ही खर्चा हो गया है टिकट में, जब आने के टाइम उससे डबल हो जाएगा। देखिए इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों, आपने डॉक्यूमेंट को जो है ना क्लियर रखें। तो दोस्तों इस तरह की कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाके ना अपनी कीमती राय का लाजम इजहार फरमाना। ठीक है, और जाते जाते अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें, ताकि आप लोगों को नई से नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने कहा।